पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी की डेडलाइन खत्म। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स जारी न किए। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट जमा कराएगा। गोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त का महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान के खिलाफ गोशाखाना फौजदारी केस में 19 अप्रैल को ही सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटे रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी। की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज उमरा की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गईं। शौहर, बेटा, बेटियां, बहू और दामाद भी हमरा। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सऊदी शाही कयादत से मुलाकातें भी होंगी। मरियम नवाज की ईद उल फितर के बाद 26 अप्रैल को वतन वापसी शेड्यूल है। रावलपिंडी रेंज रोड के करीब झोपड़ियों में आतिशदगी। 7 साल का बच्चा झुलस कर जहां बहक, 8 झोपड़ियां मुकम्मल तौर पर झुलस गईं। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स आग पर काबू पा चुके। रमजान उल मुबारक के दूसरे अशरे का आखिरी रोज। फरजंदान इस्लाम आज नमाज मगरिब से कबल एतकाफ बैठेंगे। मुल्क भर की मसाजिद में एतकाफ के खुसूसी इंतजाम। खवातीन की घरों में एतकाफ बैठने की तैयारियां जारी। मुतकफीन ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश करेंगे। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम रात गए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचा दिया गया। कीवीज 13 अप्रैल को लाहौर के खिजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई भी जुमेरात को होगी। 14 अप्रैल को लाहौर पहले T20 मैच की मेजबानी करेगा।